Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय शासन और राजनीति से जुड़े मसलों की चर्चा की इस कड़ी में आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे आ, मौलिक कर्तव्य हम सब जानते हैं कि संविधान की शुरुआत के साथ इसमें शामिल नहीं था आ, बाद में यह जोड़ा गया बयालीसवें संशोधन के द्वारा लेकिन यह भी अब संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वे इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक तरीके से ये राज्य के सामने एक चार्टर के रूप में हैं जिसमें माना जाता है कि राज्य को इनके अनुसार काम करना है संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हमने पीछे पिछले एपिसोड में चर्चा की है और वहाँ हमने यह देखा है कि जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी मुख्य विशेषता यह है कि वे न्याय योग्य हैं यानी कि उनका उल्लंघन होने पर उनका सही तरीके से अनुपालन न होने की स्थिति में लोग अदालतों में जा सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ यह विशेषता नहीं जुड़ी हुई है यह दावा नहीं किया जा सकता है कि इनका पालन नहीं हो रहा है इसलिए अदालत इनके पालन को सुनिश्चित करे लेकिन फिर भी यह समझने की आवश्यकता है कि इस किस पृष्ठभूमि में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उभार हुआ राज्य की नीति निदेशक तत्वों से जुड़े हुए प्रमुख प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं संविधान संशोधन के माध्यम से क्या इसमें कुछ नए तत्व जुड़े गए इनका मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स से साथ कैसा संबंध रहा है ख़ासतौर पर व्यवहारिक स्तर पर जब राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश की तब और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मौलिक कर्तव्यों की भी बात करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा था कि वैसे तो ये पूरा सिलेबस ही आपस में जुड़ा हुआ है सारे एपिसोड लेकिन विशेष रूप से आ, पिछला एपिसोड जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित था और यह एपिसोड जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और हम दोनों की बातों को काफ़ी हद तक एक साथ रखकर ही समझ सकते हैं आज की जो हमारी पूरी परिचर्चा है वो कुछ मुख्य चरणों पर या मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्वों के इतिहास की बात करेंगे और उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों है? की विशेषताएं क्या हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किस तरह का संबंध है मौलिक या मूल कर्तव्य क्या हैं मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय क्या हैं और मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता यानी कि न्यायालयों में इनकी क्या स्थिति है उसको आ, समझने की जरूरत पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे और आखिर में हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे स्टॉप राज्य के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं वो संविधान के भागचार में निहित है संविधान के भागचार को राज्य के नीति के निदेशक तत्व शीर्षक दिया गया है इसके अंतर्गत अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक के अनुच्छेद शामिल हैं संविधान का यह भाग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है जब हम यह कह रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आयरलैंड के संविधान में इस तरीके के प्रावधान मौजूद थे और इसका महत्व तो बस इतना तक ही है जैसे कि मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में जो भी संविधान में प्रावधान अपनाए गए हैं वो यहाँ के अनुभवों और बाकी संविधान सभा के सदस्यों के गहरे विचार विमर्श का नतीजा है तो निश्चित रूप से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है उसे भी संविधान सभा के भीतर आ, विचार विमर्श के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना गया और तभी इसे संविधान में सम्मिलित किया गया इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए और ये जो संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक पक्ष को ही ज्यादा महत्व दिया गया है और जब मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा था तब भी मैंने इसकी इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय हैं और इस संदर्भ में आ, हमने यह देखा था कि जो सरदार पटेल के नेतृत्व में जो समिति बनी थी आ, उस समिति ने यह प्रावधान किया था कि जो अलग अलग तरह के विचार हैं अधिकारों के बारे में उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की जाए एक तरफ तो यह विचार था कि जो राज्य की दखल है वो कम से कम होनी चाहिए और व्यक्तियों के पास कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए तो इस तरीके के विचार रखने वाले लोगों के ने जिस तत्व पर जोर दिया उन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया दूसरी तरफ संविधान सभा के ऐसे सदस्य थे जो यह मानते थे कि राज्य की का यह काम है कि वह लोगों के ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करे जिससे वह अपने सामाजिक अधिकार पा सके जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें तो राज्य अपने इस काम से खुद को पीछे नहीं खींच सकता है तो इन दोनों के वाद विवाद के बीच सरदार पटेल ने यह कोशिश की कि एक ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे कि एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की जाए जिसमें कि एक तरफ तो ऐसे अधिकार हों जो कि व्यक्ति के बुनियादी विकास के लिए आवश्यक हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकार हों जो कि व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तो हैं लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए व्यक्ति न्यायालय के पास नहीं जा सकता है तो ये जो मौलिक अधिकारों की जो श्रेणी थी उससे अलग माने गए और यह कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में होंगे और इसमें जो मुख्य विशेषता हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत ये न्याय योग्य नहीं है और इन्हीं उपबंधों को राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम कह रहे हैं उनका उनकी संज्ञा दी गई तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनकी जो बुनियादी विशेषता है वह यह कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा तो ये एक तरीके से राज्य के सामने चार्टर की तरह हैं कि राज्य जब अपनी नीतियाँ बनाए, अपने कार्यक्रम तय करें कानून बनाए तो वो इन इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करे वह या प्रयास करे कि जो चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में हैं उन्हें हासिल किया जाए निदेशक तत्वों के में जो ये चीज़ें आती हैं वो एक तरीके से संवैधानिक निर्देश हैं कार्यपालिका के लिए और प्रशासनिक मामलों के लिए और इनकी प्रकृति निश्चित रूप से न्यायचित नहीं है इनके हो होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है अतः सरकारें चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो स्थानीय सरकार हो वे इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं तो ये एक तरीके से आ, आ, राज्य के ऊपर थोपी गई चीज के रूप में नहीं है राज्य इनका अनुपालन करने के लिए मजबूर नहीं है लेकिन राज्य को इनका पालन करना चाहिए राज्य को इन्हें एक आदर्श के रूप में देख आगे बढ़ना चाहिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तय करना चाहिए और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है एक ऐसा राज्य जो कि लोगों के सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करे अपनी नीतियों के माध्यम से अपने कानून के माध्यम से यह संविधान की प्रस्तावना में उद्दृत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है जनता के हित और आर्थिक लो, लोकतंत्र के स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना लागू करना राज्य का कर्तव्य है नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधीवाद समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है और आगे जब हम इन चीज़ों को देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों के जो बुनियादी अनुच्छेद हैं तो यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी और इसके द्वारा एक आ, आ, सार्थक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है और इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है यानी कि हर सरकार का वो जो राज्य और सरकार के को यहाँ मिलाकर हमने इस्तेमाल किया है तो दोनों स्तरों की जो सरकारें होती हैं उनका यह काम है और इसे बार बार ये चीज़ हम सामने ला रहे हैं और हमें इस बात को पूरी तरीके से याद रखना है कि न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता है अभी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो मुख्य संवैधानिक प्रावधान हैं उन पर एक नज़र डालेंगे हमारी कोशिश होगी कि जब हम इनकी चर्चा कर रहे हैं उसी समय हम इनसे जुड़े हुए कुछ वाद विवादों को भी आपके सामने रखते चलें सबसे पहले अनुच्छेद 26 में इसकी परिभाषा दी गई है कि नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा है उसमें राज्य का वही अर्थ है जो भाग तीन में है और अनुच्छेद सैंतीस में यह कहा गया है कि इस भाग में दिए गए तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है फिर भी यह देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य से यहाँ पर मुख्य तात्पर्य जो भारत का राज्य है उससे है और अनुच्छेद ३८ में यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा यानी कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि आम जनता की भलाई हो और अनुच्छेद ३८ एक में यह बात कही गई है कि राज्य लोक कल्याण को की अभिवृद्धि के लिए यानी कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके और अनुच्छेद कि आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और ये राज्य का एक कर एक राज्य के लिए एक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है और इस अनुच्छेद अड़तीस दो को चौवालीसवें संशोधन के द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया अब अगर हम इन शब्दों पर ध्यान दें तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो आय का अंतर है जो प्रतिष्ठा या सुविधाओं का या अवसरों का का जो अंतर है या उनके बीच की जो असमानता है उसको समाप्त करने का सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य समाजवादी दिशा में आगे बढ़ेगा यहाँ हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो समाजवादी शब्द है वह इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान इंदिरा गांधी सरकार की पहल पर बयालीसवें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में लेकिन उनके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आती है वह भी उतनी ही शिद्दत से इन मूल्यों को मानती है तो ये एक तरीके से इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरीके से एक सहमति मौजूद है इस मुद्दे पर कि राज्य को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने नीतियों अपने कार्यक्रमों अपने कानूनों के द्वारा जो असमानता समाज में मौजूद है उनको कम करें अनुच्छेद उनतालीस में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा कुछ खास तरीके के पहलुओं पर ध्यान जा, दिया जाएगा पहला पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे आ, दूसरा समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण किया जाएगा इसके बाद अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध किया जाएगा इसका अर्थ यह है कि कोशिश यह रहेगी कि जो संसाधन और संपत्ति हैं या जो उत्पादन के साधन हैं वो कुछ हाथों में केंद्रीकृत न हो जाएं सारी की सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के पास केंद्रित ना हो जाए कुछ ही लोग दूसरों के जीवन के निर्माता ना बन जाए और इसके बाद ये कहा गया है कि पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए फिर पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आय या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाने की कोशिश होनी चाहिए यानी कि कोई भी ऐसा आ, काम ना हो जो कि उनके अपने स्वास्थ्य के लिए या उनके अपने आ, अस्तित्व के लिए ख़तरनाक हों और कई तरह के कार्य ऐसे होते हैं मिसाल के तौर पर अगर बच्चे जो हैं वो एक उम्र के नीचे काम करते हैं और ये मौलिक अधिकारों में भी इसका निषेध किया गया है लेकिन सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि वो इस तरीके का माहौल बनाए कि सभी लोग पुरुष स्त्री और बच्चे इस तरीके के काम से बचें और बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना तो ये जो एक काम है जो कि श्रम और शोषण का निषेध किया गया है बाल श्रम का निषेध किया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उसको एक और ज़्यादा आगे ले जाने की बात करता है यानी कि बच्चों को यह मौका मिलना चाहिए कि वे गरिमा के साथ अपना विकास करें उनके पास शिक्षा का मौका हो उनके पास कई तरह के और बुनियादी अवसर मौजूद हों इस लिहाज से हम कहें तो जो संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया छियासीवें संविधान संशोधन के द्वारा वह एक तरीके से इस जो नीति निर्देशक तत्व की जो मूल भावना है उसको आगे बढ़ाने के रूप में है अनुच्छेद उनतालीस क में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है यह कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए यह विधिक सहायता निशुल्क होगी और इसे बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है यह एक तरीके से इस बात को स्वीकार करनी जैसा है कि हमारे देश में जो कानूनी व्यवस्था है जो न्याय की व्यवस्था है उसमें लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें बहुत तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है इसका मतलब यह है कि अगर एक गरीब व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना अत्यंत मुश्किल है वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है और आम तौर पर जो अच्छे वकील होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं और और जो न्यायालय के भीतर जिस तरीके से काम करने का तरीका होता है उसमें भी इतने ज़्यादा संसाधन लगते हैं कि एक गरीब व्यक्ति समाज में हाशिए पर पड़ा हुआ व्यक्ति उतना संसाधन नहीं जुटा पाता है तो जो ये प्रावधान जुड़ा गया बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा वह एक तरीके से इस बात को स्वीकार करता है कि समाज में हर किसी के लिए न्याय सुलभ नहीं है और यह राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है कि हर व्यक्ति न्याय तक अपनी पहुंच बना सके अनुच्छेद चालीस में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है और यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों अब यहाँ पर भी हम यह देख सकते हैं कि जो तिहत्तरवा संवैधानिक संशोधन हुआ उसके माध्यम से पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई उन्नीस में और इसी तरीके का संशोधन चौहत्तरवा संविधान संशोधन था जिसके आधार पर शहरी निकायों को स्थापित करने का प्रयास किया गया अब अगर हम अन्य सारे पहलुओं पर भी गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों का प्रभाव है लेकिन यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर हम सीधे जो अनुच्छेद चालीस है उस पर हम सीधे तौर पर महात्मा गांधी के प्रभाव को देख सकते हैं और यह बात गांधी जी के लेखन में बार बार सामने आती है चाहे वो हिंद स्वराज का लेखन हो चाहे वो उनके अन्य लेखन हो कि वो ग्राम स्वराज्य को एक आदर्श स्थिति के रूप में देखते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता को या अपने एक सामुदायिक जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं उसका उपभोग कर सकते हैं तो वो एक जो आदर्श था वो आ, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह माना गया संविधान सभा के द्वारा कि शायद अभी इसे पूरी तरीके से लागू करना आ, सही नहीं है क्योंकि देश में बहुत तरह की अव्यवस्था है लेकिन यह एक तरीके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया कि राज्य इसके लिए कोशिश करेगा और हम ये देखते हैं कि बाद के दौर में राज्य ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और 1990 के दशक में जो तिहत्तरवां और चौहत्तरवा संविधान संशोधन हुआ उसके बाद देश के अधिकांश भागों में अब पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है उसकी अपनी सीमाएं हैं और उसकी अपनी उपलब्धियां भी हैं जिसके बारे में हम एक अलग एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे अनुच्छेद इकतालीस में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात कही गई है यह कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने शिक्षा पाने बेकारी बुढ़ापा बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर या अन्य तरह के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने कराने का के लिए प्रभावी उपबंध करेगा अब यह जो प्रावधान है वह एक तरीके से राज्य के लोक कल्याणकारी काम को ही रेखांकित करता है कि यदि आ, नागरिक आ, काम पाने में असमर्थ हैं शिक्षा पाने में असमर्थ हैं बेकारी बुढ़ापा के कारण कई तरह के समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का यह कर्तव्य होगा राज्य का यह काम होगा कि वह अपने नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को सहायता प्रदान करें अब सीधे तौर पर अगर हम इस अनुच्छेद के प्रावधानों को देखें तो कई बार राज्य इस तरीके का काम करता हुआ दिख जाता है अगर मिसाल के तौर पर हम आ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा की बात करें तो वो एक तरीके से गारंटी देता है कई राज्यों में पहले अब ऐसा प्रावधान तो नहीं है पर पहले कुछ बेरोजगारी भत्ता की बात भी कही जाती थी और पहले सरकारी अस्पतालों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाती थी और ये माना जाता था कि सरकारी सुविधाओं ये आज़ादी के आरंभिक दौर में तो कम से कम रहा वर्तमान दौर में सरकारी अस्पतालों की हालत उतनी अच्छी नहीं है सरकारी विद्यालयों की हालत देश का अधिकांश भागों में बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो नीति निदेशक तत्व है अगर हम अपने देश की सरकारों के काम करने के ढर्रे को देखें तो उसमें आरंभिक दौर में इन्हें काफ़ी महत्व दिया गया और सरकार ने यह कोशिश की कि वह लोगों को इस तरह की सहायता प्रदान करें ऐसा नहीं है कि उदारीकरण के दौर के बाद सरकार पूरी तरीके से इससे पीछे हट गई है हम यह देख सकते हैं कि चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो उसने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ हद तक रोज़गार मिल सकें या उन्हें निशुल्क दवाइयाँ मिल सकें या उन्हें जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज में सहायता मिल सके और ये जो पूरा प्रावधान है वह राज्य के लोक कल्याणकारी काम के अंतर्गत आता है लेकिन आ, कई मामलों में हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और कुछ हद तक वो व्यवस्थित काम करने की जो प्रवृत्ति है आ, वह उदारीकरण के दौर में सरकारों में कम दिख रही है योजनाएं सामने जरूर आ जाती हैं लेकिन एक व्यवस्थित प्रयास आ, उस तरीके से नहीं दिखता है जहां पर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए युवाओं को रोजगार देने के लिए व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया जाए लेकिन यह भी बात सही है कि सरकारों ने पूरी तरीके से इससे मुंह नहीं मोड़ा है तो यह भी एक महत्वपूर्ण राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की विभिन्न सरकारों के काम में यह बार बार सामने आता है कभी ज़्यादा खुले रूप में ज़्यादा साफ तौर से और कभी थोड़े कम खुले रूप में संविधान के अनुच्छेद 42 में यह कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवचित दशाओं का प्र, आ, की व्यवस्था की जाएगी और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा और प्रसूति सहायता का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे अनुच्छेद तिरालीस में यह कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था की जाएगी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा यहाँ पर जो मजदूरों के लिए काम का जो एक बेहतर वातावरण तैयार करना है वह भी एक ऐसा आदर्श है जिसका कि पूरी तरीके से पालन हो पाया है यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कई ऐसे कानून बने हैं जिसके माध्यम से यह तय करने की कोशिश की गई है कि कितने घंटे तक कोई मजदूर काम कर सकता है उसे कितनी छुट्टी पाने का अधिकार है उसे किस तरीके से आर्थिक सुरक्षा दी जा सकती है लेकिन यह एक आदर्श स्थिति सरकार बना पाई है ऐसा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है पर हाँ हम कई ऐसे कार्यक्रम देख सकते हैं जिसके माध्यम से राज्य की केंद्र या राज्य के सरकारों ने इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की है कुटुर उद्योगों को प्रोत्साहित देना यह भी एक आदर्श के वाक्य के रूप में ही ज़्यादा रहा है आमतौर पर बड़े उद्योगों की तरफ आकर्षण रहा है लेकिन विशेष रूप से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें छिटपुट ही हुई हैं तो यह भी एक ऐसा ये दोनों प्रावधान ऐसे प्रावधान हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि जो समाज का हास्य का तबका है जो मजदूर वर्ग है उसकी भलाई के लिए है या स्त्रियों के भलाई के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि बहुत कुछ करने की जरूरत अभी है कुछ हद तक सरकारों ने इस दिशा में काम किया है अनुच्छेद तिरालीस क को बयालीसवें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी कि श्रमिकों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाने की बात कही गई है यानी कि अगर कोई कारखाना है तो वहाँ का जो पूरा मामलों का जो पूरा प्रबंधन हो उसमें जो श्रमिक हैं वो भी भागीदारी करें इस तरह का प्रावधान है कुछ संस्थाओं में इस तरह का प्रावधान दिख सकता है मिसाल के तौर पर अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर आ, कई बार एक काउंसिल होती है जिसके शिक्षक हिस्सा होते हैं फिर कमिटीज़ बनती हैं और काम किया जाता है आ, लेकिन हर स्तर पर इस तरीके का प्रावधान काफ़ी प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाया है तो यह भी एक ऐसा प्रावधान है जो कि कारखानों में या अलग अलग तरीके के जो संस्थाएं हैं वहाँ पर शक्ति केंद्री के केंद्रीकरण के खिलाफ़ प्रावधान करता है और यह राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसे कार्यक्रम और नीतियाँ बनाए जिससे शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित ना रहे बल्कि उस संस्था में या उस कारखाने में या उस उद्योग में काम करने वाले सभी लोगों के पास कुछ हद तक शक्तियाँ मौजूद रहें तो यह एक बेहतरीन निदेशक तत्व माना जा सकता है पर इसके प्रावधान के लिए बहुत ठोस कदम हुए हैं उठाए गए हैं सरकारों के द्वारा ऐसा दिखता नहीं है अनुच्छेद तिरालीस ख में सहकारी समितियों के, उन, के उन्नयन का प्रावधान किया गया है यह कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त प्रचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा यह भी एक ऐसा प्रावधान है जिसकी दिशा में कई सरकारों ने छिटपुट तरीके से काम किया है और कई राज्यों में कुछ काम बेहतर भी हुए हैं लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ने की कोई गंभीर कोशिश सरकारों के द्वारा दिखती है ख़ासतौर पर वर्तमान दौर में ऐसा तो नहीं लगता अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जाएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है और इस पे आ, हमेशा से एक वाद विवाद भी होता रहा है यह माना गया कि जो अलग अलग धर्मों के जो आ, कानून हैं जो सिविल मामलों के कानून हैं यानी कि जो पारिवारिक जीवन शादी ब्याह इससे जुड़े हुए नियम हैं उनको आ, उन सब की जो विविधता है उनको ख़त्म करके एक ऐसा आ, जो समान नागरिक संहिता या एक आ, सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए जिससे कि जिसमें सभी धर्मों के लोगों शामिल हों सब उसको माने लेकिन ये संविधान सभा ने इस काम को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में डाल दिया और इसका मुख्य कारण यह माना गया कि आ, देश उस समय विभाजन से उबर रहा था और जो संविधान सभा में विशेष रूप से जो मुस्लिम सदस्य थे वो आ, समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इससे उनके धार्मिक मूल्यों में या धार्मिक प्रथाओं में सीधे तौर पर दखलंदाजी होगी तो एक सहमति यह बनी कि इस दिशा में संवाद के द्वारा बातचीत के द्वारा एक तरीके की सहमति बनाने की कोशिश की जाए और भविष्य में समान नागरिक संहिता का को लागू किया जाए अगर हम हिंदुस्तान में नारीवादी आंदोलन पर ध्यान दें तो नारीवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों की जो सिविल मामलों की संहिताएं हैं यानी कि जो स्त्रियों के अधिकारों की बात है संपत्ति के उत्तराधिकार की बात है शादी विवाह की बात है इनमें आ, महिलाओं की स्थिति दुर्बल है दोयम दर्जे की स्थिति है अक्सर पुरुष ही फायदे की स्थिति में है तो इसलिए नारीवादी संगठनों के द्वारा हमेशा ही समान नागरिक संहिता की तरफदारी की गई लेकिन 1980 के बाद से एक तरीके से यह एक सांप्रदायिक राजनीति का औजार बन गया और हमेशा ही यह बात कही जाने लगी कि समान नागरिक संहिता को लाना जरूरी है और जब यह बात कही जाती थी तो उसके साथ यह बात जुड़ी जाने लगी कि असल में हमारे देश में जो विभिन्न तरह के कारण हैं मिसाल के तौर पर जनसंख्या वृद्धि का हमारे देश में एक में जो परिघटना है या फिर और भी जो गरीबी की समस्याएं हैं उसके पीछे ये समान नागरिक संहिता का ना होना मूल कारण है और कई बार खुलकर और कई बार इशारों इशारों में यह बात कही जाती है कि जो मुस्लिम होते हैं उनके उन्हें चार शादियां करने का उन्हें शायद एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का अधिकार है और उन अधिकारों के कारण ही वो आ, जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो एक लिहाज से ये समान नागरिक संहिता का जो मसला है वो मुस्लिमों की प्रथाओं पर आ, हमले का कारण बन गया तो कई बार आ, जो अधिकांश नारीवादी हैं अब इस दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ती हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए लेकिन वो एक सांप्रदायिक राजनीति के ध्रुवीकरण के माध्यम से नहीं हो सकती है बल्कि उसके लिए जरूरी है कि जो अलग अलग तरह के समुदाय हैं उनके भीतर खुद स्त्रियों के अधिकारों के लिए जागरूकता आए और वो इस दिशा में आगे बढ़ें तो अभी वर्तमान दौर में ज़्यादातर नारीवादी समुदायों के भीतर आंतरिक सुधार के माध्यम से स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर देने लगी हैं लेकिन समान नागरिक संहिता जो है वो अपने आप में एक विवादास्पद जटिल और काफ़ी हद तक गर्म जोशी से भरे या गर्मागर्म वाद विवाद का स्रोत बना हुआ है वर्तमान समय में भी पर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है कि वह कभी भी इस तरीके से लागू नहीं किया जा सकता जिससे कि लोगों के अपने धर्म को अपने मानने की जो उनके बुनियादी अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो तो मेरी आ, कोशिश यहाँ पर यह है कि मैं आपको यह बता सकूँ कि जो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता लागू करने के प्रयास की बात कही गई है उस पर सरकारों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से कोशिश नहीं की है लेकिन इसके साथ ही इसमें कई तरह के जटिल मुद्दे जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से पिछले 30-35 सालों से सिविल आ, संगीता की जो की जो पूरी कवायद है वह स्त्रियों के अधिकारों से ज़्यादा सांप्रदायिक राजनीति के ध्रुवीकरण का मसला बना हुआ है इसलिए यह आवश्यक है कि आ, इस पे जोर दिया जाए पर वो इस तरीके से ना जोर दिया जाए जिससे किसी धर्म विशेष की प्रथाओं आ, में दखल हो या जिससे कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिले तो इसका एक रास्ता यह हो सकता है कि सरकारी खुले तौर पर संवाद करें विभिन्न धर्मों विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ और इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें अनुच्छेद 45 में आ, यह कहा गया है कि शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा और अनुच्छेद छियालीस में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने और हर तरह के शोषण वह सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 की को लागू करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या सरकारों ने कुछ किया है तो हम यह कह सकते हैं कि इस संदर्भ में काफ़ी प्रयास किए गए हैं हालांकि और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है मिसाल के तौर पर अगर शिशुओं की शिक्षा की बात कही जाए तो अब एक तो यह संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय का भी भाग बन चुका है दूसरा कि स्कूल के स्तर पर बच्चों को स्कूल में ले आने के लिए कई तरीके के कार्यक्रमों को अपनाया गया है जिसमें कि दोपहर का भोजन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है उसी तरीके से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है कई तरीके के वजीफे आ, की व्यवस्था भी सरकारों के द्वारा की जाती रही है तो ये जो प्रावधान है उस दिशा में सरकारें आगे बढ़ी हैं लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में और ज़्यादा काम किए जाने की जरूरत है अनुच्छेद सैंतालीस लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानने तथा मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने के प्रयास करने का प्रावधान करता है अब यहाँ पर एक ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कि सरकार का काम यह है कि वो लोगों के आ, को नशे नशीली चीज़ों से दूर रखें हम यह जानते हैं कि कुछ राज्यों में शराबबंदी की गई है ड्रग्स तो हर जगह प्रतिबंधित है तो जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहाँ पर कुछ हद तक जो तर्क है वो यही है कि लोगों को के स्वास्थ्य को और उनके पारिवारिक जीवन को सुकर बनाया जाए लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं की गई है वहाँ पर यह स्थिति बेहतर नहीं मानी जा सकती है हालांकि जहाँ पर शराबबंदी की गई है मसलन बिहार में वहाँ भी यह पूरी तरीके से बंद हो गया है ऐसा नहीं लगता लेकिन जो मुख्य चीज़ है वह यह है कि अनुच्छेद सैंतालीस इस बात पर जोर देता है कि राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि लोगों को आ, का जो स्वास्थ्य स्तर है वो बेहतर बने और स्वास्थ्य स्तर बेहतर बनने के लिए उन्हें अच्छे खान पान की सुविधा हो यह तो ज़रूरी है ही पर यह भी जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों की हालत अच्छी हो लोग स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर हो सकती है जब लोगों के पास दवाएं और अस्पताल की सुविधा बेहतर हो इस दिशा में कुछ छिटपुट काम तो नज़र आते हैं पर बहुत व्यवस्थित कोशिश सरकार के द्वारा नज़र नहीं आती है और जैसे मैंने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन पर कुछ हद तक प्रतिबंध है और पर बहुत सारी चीज़ों पर राजस्व के लाभ के कारण सरकार ने उस तरीके से ठोस गंभीर कदम नहीं उठाया है जैसा कि उसे उठाया उठाना चाहिए चा, चाहिए था अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन की बात है और निश्चित रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश उस समय भी था जब संविधान का निर्माण हो रहा था और भारत एक कृषि प्रधान देश अभी भी है हालांकि अब काफ़ी शहरीकरण भी हुआ है लेकिन अनुच्छेद 48 यह कहता है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना चाहिए और राज्य को उसको बढ़ावा देना चाहिए तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ये राज्य का एक काम होना चाहिए अब इस आ, में दो प्रमुख बातें हैं एक तो ये है कि कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली को बढ़ावा देना निश्चित रूप से अगर हम आज़ादी के बाद के दौर में सरकार के कदमों को देखें तो सरकार ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है आ, इसी के कारण से हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति जैसी घटनाएं परिघटनाएं हमारे देश में हुई अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई लेकिन एक हमेशा लगातार इस दिशा में काम हो रहा है या देश के हर भाग में इस दिशा में काम हो रहा है ऐसा हम ठोस रूप से नहीं कह सकते हैं वर्तमान दौर में किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है और आ, कई सारे ऐसे आ, भाग हैं देश के जहां अभी भी जो खेती का काम है वह बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नहीं हो रहा है तो जो हरित क्रांति जैसी परिघटना हुई वह देश के कुछ भागों तक ही सीमित रही तो इस लिहाज से इस दिशा में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता सरकार को है और जो दूसरा भाग है वो काफ़ी विवादास्पद रहा है और बार बार यह चीज़ इस बात पर जोर दिया जाता है कि गोहत्या पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक ने तत्वों के माध्यम से तो एक तो जो खास बात है हमें वही ध्यान रखनी है कि इसमें हर तरह के दुधारू पशुओं की बात है बछड़ों की बात है वाहक पशुओं के नस्लों के पररक्षण करने की बात है तो निश्चित रूप से इस लिहाज से सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो जो गो जो पशु संपदा है उसको बढ़ावा दे और उसी में गो हत्या को रोकने की भी बात कही गई है निश्चित रूप से यहाँ पर भी और अगर हम अपने देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उसमें कम से कम जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन का बड़ा हिस्सा था उसमें अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि जो मुख्य रूप से गायों के संरक्षण की बात है वह उनकी प्रति श्रद्धा से जुड़ी हुई है पर वह श्रद्धा इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश के किसानों की अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ रही हैं लेकिन बाद में जिस तरीके से गौ हत्या के मुद्दे को धार्मिक और कट्टरपंथी रंग देकर प्रस्तुत किया गया वह संविधान की इस भावना के अनुरूप नहीं था या नहीं है तो और इस लिहाज से हम हाल फिलहाल के वर्षों में ये भी देख सकते हैं कि गोहत्या के नाम पर कई बार लिंचिंग हुई भीड़ के द्वारा लोगों को मार दिया गया तो संविधान के नीति निर्देशक नी तत्वों में राज्य को जो निर्देश दिया गया है वह एक तो किसी भी तरीके से गोहत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की बात नहीं है हाँ यह जरूर है कि राज्य को इसको रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए कि जो दुधारू पशु हैं जो अर्थव्यवस्था के ऋढ़ हैं उनकी सुरक्षा की जाए और निश्चित रूप से किसी पशु को या किसी भी व्यक्ति को हिंसा के द्वारा मारना शायद उतना आकर्षक लोगों को ना लगे लेकिन हमें यह भी पता है कि मानव सभ्यता के साथ यह चीज़ जुड़ी हुई है कि लोग पशुओं को मारकर एक आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और कई सारे समुदायों का हिंदुस्तान में वह एक भोजन की एक परंपरा का हिस्सा है जहाँ पर वो पशुओं को खाते हैं हिंदुस्तान के अधिकांश भागों में प्रथा है तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद अड़तालीस है वह कृषि के या किसानों की जीविका के एक साधन के रूप में गो संरक्षण या पशु संरक्षण संवर्धन की बात करता है लेकिन यह कहीं से भी धार्मिक आधार पर गायों को संरक्षित करने की बात नहीं करता है अनुच्छेद अड़तालीस बयालीसवें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें यह कहा गया कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया जाएगा और यह एक तरीके से जो पर्यावरण क्षरण की समस्या पैदा हो रही थी उसके संदर्भ में जागरूकता को भी दिखाता है अनुच्छेद उनचास में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण देने की बात कही गई है और अनुच्छेद पचास में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण की बात कही गई है यानी कि न्यायपालिका की स्वायत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए अनुच्छेद इक्यावन में अंतर्राष्ट्रीय शांति शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की बात कही गई है और यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो बयालीसवा संशोधन हुआ उसके माध्यम से उन्नीस में अनुच्छेद उनतालीस क अनुच्छेद तिरालीस क तथा अनुच्छेद अड़तालीस क को, को इसमें शामिल किया गया है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे की मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में किस तरीके का संबंध है यह एक समय पर एक विवादास्पद मसला भी बना अगर सरकारें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने की कोशिश करती हैं जिनसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है हमने यह देखा कि आ, सरकारों ने कई ऐसे कानून बनाए हैं और ये नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा भी है जिसके माध्यम से आ, बहुत सारे नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है लेकिन क्या ऐसा कानून या ऐसा संविधान संशोधन हो सकता है जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को थोड़ा दबाकर और आ, जो राज्य के निर्देश नेरिशक, नीति निदेशक तत्व के प्रावधान हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक निर्णय दिया यह मुकदमा एक मिल के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे से आरंभ हुआ था जो कि संपत्ति का मसला था लेकिन नानी ए पालखीवाला ने यह तर्क दिया कि यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से जुड़ा हुआ है मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूर्ण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मिनरवा मामले में यह निर्णय दिया कि बयालीसवें संशोधन की धारा चार और पचपन असंवैधानिक हैं मुख्य रूप से यहाँ धारा चार महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा चार में यह प्रावधान किया गया था कि यदि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है और पचपन में यह कहा गया था कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है तो धारा चार को ये नकारते हुए जो मिनरवा मिल्स मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वह यह था कि जो आ, मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं और उनको कमतर करके नीति निर्देशक तत्वों को बढ़ावा दिया जाना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो आ, एक तरीके से हम यह देख सकते हैं कि कई बार इस तरीके के टकराव की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से जहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों से कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर उन कानूनों के कारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह एक समस्यापूर्ण चीज़ हो सकती है तो और इस स्थिति में फैसला करने का पूरा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय ने मिनरवा मिल्स में इस तरीके का एक निर्णय दिया अब अगर हम नीति निर्देश तत्वों की कुछ आलोचनाओं की बात करें तो एक तो यही आलोचना ऐसी की जाती रही है कि यह न्यायालय के द्वारा लागू किया नहीं जा सकता है तो ये एक तरीके का उपदेश है जो कि सरकारों को और संसद को दिया गया है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है दूसरी इसकी आलोचना यह होती है कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संघर्ष का कारण है और जैसे मैंने पहले कहा कि और ये ऐसे प्रावधान हैं जिनकी जिनको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा साफ तौर पर जो शक्ति है वो ना तो राज्यों के पास है ना संसद के पास है यानी कि अगर सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो आ, उन्हें हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि मौलिक अधिकारों से का कोई उल्लंघन ना हो तो ये सरकारों के लिए भी एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है और ख़ास तौर पर अगर कहीं से भी मौलिक अधिकार कमतर होते हैं तो इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है इस तरीके के कदमों को जिनके माध्यम से नीति निदेशक तत्वों को लागू किया जा रहा है अब आ, कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आज तक लागू नहीं किया गया है मिसाल के तौर पर समान नागरिक संहिता जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर लेते हैं आ, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी शामिल किया गया है वस्तुतः और हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है उनमें केवल मूल अधिकारों की घोषणा की गई है जैसे अमेरिका के संविधान में कुछ साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित है भारतीय संविधान में भी आरंभ से मूल कर्तव्य तो शामिल नहीं थे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे एक अलग एपिसोड में कि, कि किस तरीके से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है और उनका कैसे इस्तेमाल हुआ है बहरहाल जब उन्नीस में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की तो उसी समय सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था इस समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग अधिकारों पर बल देते हैं या नहीं समझते कि हर अधिकार किसी ना किसी आ, कर्तव्य के साथ सामने आता है या कर्तव्य के सापेक्ष होता है अब स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थीं उसी के आधार पर 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया इसके तहत संविधान में एक नए भाग चार क को जोड़ा गया संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद इक्यावन जोड़ा गया जिसमें दस मौलिक कर्तव्यों को रखा गया इक्यावन क जोड़ा गया और इस, इसमें जो दस मौलिक कर्तव्य हैं वो छियासीवें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया संविधान का पालन और इस ये जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में उनकी सूची के बारे में हम अभी विचार करेंगे तो पहला इसमें पहली बात तो यही है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण रखें देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भा, की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र की प्रगति की राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ऊंचाइयों को छूलें और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं यह कर्तव्य जैसे मैंने पहले बताया था छियालीसवें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया अब ये जो सारे मूल कर्तव्य हैं उनको कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है इसके बारे में भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ है भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जेस वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के को सही तरीके से लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया इस समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें इसने मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए पहला यह कहा गया कि तीन जनवरी को मूल कर... मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसने कुछ सुझाव दिए थे और तीन पहला यह कहा गया कि तीन जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए तीन जनवरी को की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन से बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ था जिसमें मूल कर्तव्य भी शामिल थे मूल कर्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की अनुशंसा की गई सभी शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनसे परिचित होने का मौका मिले मीडिया को लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिससे मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति और चेतना का प्रसार हो मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हों और उसे मूल कर्तव्यों से और उन्हें मूल कर्तव्यों से विचलित करते हों वर्मा समिति का सुझाव यह भी था कि मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता पर बल दिया जाना चाहिए यानी उन्हें अदालतों पर लागू करने की शक्ति अदालतों को दी जानी चाहिए यहाँ मैं वर्मा समिति की रिपोर्ट पर कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ अगर हम अपने आ, वर्तमान दौर की स्थिति को देखें तो आ, हम ये पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोग अपने मूल कर्तव्यों की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर आ, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात कही गई है आ, इसमें सामाजिक संस्कृति जो हमारे देश की उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है लेकिन अपने काम करने के तरीके में अपने विचार अभिव्यक्ति के दौरान या विरोध करने के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सभा करने का अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अक्सर हम आ, एक तरीके की ऐसी स्थिति को बढ़ावा दे देते हैं हम मतलब हम सब नहीं हम में से बहुत सारे लोग जो कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है जिससे सार्वजनिक अशांति होती है जिससे किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नफरत को बढ़ावा मिलता है और ये सारी स्थितियाँ आ, हमारे समाज में काफ़ी आम तौर पर प्रचलित हो रही हैं वर्मा समिति ने मीडिया की भूमिका पर भी आ, जोर दिया और उसमें यह कहा गया कि मीडिया को लगातार ऐसे संदेश और कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना का प्रसार हो लेकिन हमें देख सकते हैं कि मीडिया के भीतर आ, वर्तमान दौर में एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कि वैज्ञानिक चेतना के बजाय पुरातन पंथी सोच को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें देश की सामाजिक संस्कृति को ज़्यादा आगे बढ़ाने के बजाय ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जो जे वर्मा समिति की जो रिपोर्ट है वह काफ़ी प्रासंगिक लगती है और वह इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि अगर हम सब अपने मूल कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए जिस तरीके से हम अपने आचरण करते हैं उसको थोड़ा संयमित करें तो वो हमारे देश और लोकतंत्र के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है और हम सब में यहाँ सिर्फ व्यक्ति ही शामिल नहीं हैं बल्कि विभिन्न संस्थाएँ और विशेष रूप से मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है अब एक जो प्रमुख प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस सीमा तक अदालतों के द्वारा लागू किए जा सकते हैं इस संदर्भ में सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से प्रवृत्ति या लागू नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है इस दृष्टि से मूल कर्तव्य भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तरह हैं जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्तव्यों का पालन आ, कर रहा है या नहीं नहीं कर रहा है और कर रहा है तब भी राज्य को अलग तरीके से उसे ट्रीट करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है इसी आधार पर विद्वानों ने कई बार व्यंग करते हुए कहा है कि मूल कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं किंतु तो वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है यदि अनुच्छेद सैंतीस और अनुच्छेद इक्यावन क में तुलना करें तो साफ दिखाई देता है कि जहाँ अनुच्छेद सैंतीस में नीति निदेशक तत्वों के अपरिवर्तनीय होने की बात साफ तौर पर कही गई है वहीं अनुच्छेद इक्यावन क में ऐसी कोई बात वर्णित नहीं है न्यायमूर्ति श्री वेंकट चलैया ने एक मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि संविधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अपरिवर्तनीय भी घोषित नहीं करता है इसके अलावा न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट किया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं वैसे ही मूल कर्तव्य भी मूल और कर्तव्य दोनों शब्द इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि आ, और इसलिए जहाँ भी कहीं भी संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न उपस्थित होगा न्यायालय मूल कर्तव्यों को भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में प्रयुक्त करेंगे न्यायालय स्वयं भी कोई आदेश पारित करते हुए ध्यान रखेंगे कि उनका कोई आदेश अनुच्छेद इक्यावन क में दिए गए कर्तव्यों के विरुद्ध ना हो अब यहाँ मैं आ, इस चीज़ पर आ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो हमने इस बात पर वहाँ भी जोर दिया था कि कर्तव्यों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन आ, एक जो बेहतर लोकतांत्रिक समाज है वो तभी निर्मित हो सकता है जब अधिकारों के साथ साथ लोग कर्तव्यों पर जोर दें लेकिन कर्तव्यों का प्रयोग अधिकारों का दमन करने के लिए ना किया जाए यानी अगर व्यक्ति अपने विचारों को रखना चाहते हैं अगर व्यक्ति राज्य की किसी नीति का विरोध करना चाहते हैं तो हर बार कर्तव्यों की छड़ी से उन्हें शांत करने से भी लोकतांत्रिक समाज एक नुकसान की स्थिति में जाएगा इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम आ, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में एक तरह का संतुलन बनाए और न्यायालय भी जैसे कि हमने अभी चर्चा में देखा कि यह खुला प्रश्न है कि किस सीमा तक न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं लेकिन अगर न्यायालय इस संवैधानिक अस्पष्टता का उपयोग करते हुए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए आदेश जारी करते हैं तब भी उन्हें ध्यान रखना होगा उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में एक सुचिंतित संतुलन बनाए जब तक यह संतुलन नहीं होगा तब तक एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और यह संतुलन अपने आप में कोई एक दिन में हासिल नहीं हो सकता है बल्कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जब हम जब हम अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तब हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें और उनका भी पालन करें लेकिन इसके साथ ही राज्य की संस्थाओं को न्यायालय को भी यह ध्यान देना होगा कि जब वो लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की बात कर रहे हैं तो लोगों के कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिनका कि उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को अपने उन अधिकारों के पक्ष में आवाज़ उठाने का हक है तो जब तक इस तरीके के दोनों विचारों को मान्यता नहीं दी जाएगी दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक आ, हम एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं बहरहाल मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी परिचर्चा से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक आ, समझ मिली होगी और इस समझ के आधार पर आगे अब आप और गहन अध्ययन इन प्रावधानों का और इन प्रावधानों से जुड़ी हुई वाद विवाद का करेंगे आ, जो मुख्य बात है वह यह कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के दिशा में बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चार्टर के रूप में है और यह बेहतर होगा कि जो सरकारें हैं वे इस दिशा में आगे बढ़ें लेकिन जैसा कि न्यायपालिका के आदेशों से बात सामने आई है और एक जिसे हम संवैधानिक मोरालिटी कह सकते हैं संवैधानिक नैतिकता कह सकते हैं उससे भी जो बात सामने आती है वह यही है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको कभी भी इस तरीके से क्रियान्वयन करने की कोशिश ना की जाए जिससे कि मौलिक अधिकारों का दमन हो या वे कमतर हों तो हर लिहाज से एक संतुलन बनाने की कोशिश होनी चाहिए और उस संतुलन के साथ मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स को पर्याप्त महत्व देते हुए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए आज की इस पूरी परिचर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा और अगले एपिसोड में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार